वेलकम टू जूम क्लासेस 10th 11th 12th। बच्चों आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 3 और आपके चैप्टर हैं स्टूडेंट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। स्टूडेंट इसे हमें प्रूफ करना होगा और बताना होगा कि ये स्टूडेंट कोट एक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल है, यानी कि एल एच एस इजकल टू आर एच एस हमें प्रूफ करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहां पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये क्वाड्रेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है स्टूडेंट, कोस पाई प्लस एक्स है। ठीक है, आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट हो गया क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट हो गया क्वाड्रेंट स्टूडेंट, ये जीरो पर एंगल बनते हैं, यहां ये पाई पर बनते हैं स्टूडेंट, और ये बनते हैं स्टूडेंट, ये पाई बाई टू पर बनते हैं एंगल, ये स्टूडेंट पाई पर बनता है, और ये बनता है स्टूडेंट थ्री पाई बाई टू पर बनता है स्टूडेंट, और ये कितने पर बनते हैं 360 डिग्री पर भी बनते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट, जीरो डिग्री पर है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया यहाँ तक आपको। तो मैं कहना चाहूँगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है स्टूडेंट। ठीक है, तो कॉस पाई प्लस एक्स, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आपको तो पता ही होगा कॉस पाई प्लस एक्स के लिए क्या हम लिख सकते हैं, बताइए बच्चों कॉस पाई प्लस एक्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ। यहाँ देख लीजिए आप, पाई क्या है स्टूडेंट, पाई है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये पाई हो गया, फिर पाई में स्टूडेंट कुछ और ऐड कीजिए तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आइएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं स्टूडेंट, टेन और टेन का रेसिप्रोकल क्या होते हैं कोट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, तो क्या होंगे निगेटिव होंगे स्टूडेंट, तो माइनस फिर क्या हो जाएंगे कॉस एक्स। समझ में आया बच्चों, इंटू का साइन है तो इंटू का साइन, और याद रखिएगा स्टूडेंट कॉस माइनस एक्स जो होते हैं, सेक माइनस एक्स जो होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये माइनस को खा जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा, तो ये माइनस को खा जाएंगे तो क्या बनाएंगे फिर बताइए स्टूडेंट, ये सिर्फ बनाएंगे कॉस एक्स बनाएंगे, याद रखिएगा। समझ में आया स्टूडेंट, अब ये क्यों खा जाते हैं इसके लिए आपको मेरा इंट्रोडक्शन देखना होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों खा जाते हैं और कैसे खाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन कोस माइनस एक्स रहे, यानी कि एंगल माइनस में रहे स्टूडेंट, तो कोस और कोस का रेसिप्रोकल क्या होते हैं सेक, ये दोनों क्या करते हैं माइनस वाले एंगल को खाकर पॉजिटिव बना देते हैं, तो ये पॉजिटिव बना दिया। डिवाइड स्टूडेंट साइन पाई माइनस एक्स, तो देख लीजिए स्टूडेंट साइन पाई, यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट, यहां से स्टूडेंट ये पाई हो गया, ठीक है, और फिर ये माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स का मतलब माइनस कह रहा है, तो स्टूडेंट क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ये स्टूडेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं स्टूडेंट पता है आपको, साइन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, याद रखिएगा साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट पॉजिटिव होंगे, याद रखिएगा आप इसे, तो क्या होंगे साइन एक्स हो जाएंगे। ओके, ये इंटू है कोस पाई बाई टू प्लस एक्स, याद रखिएगा स्टूडेंट पाई बाई टू, पाई बाई टू कहाँ तक आएगा स्टूडेंट, पाई बाई टू का मतलब हो गया स्टूडेंट ये हो गया पाई बाई टू, फिर प्लस एक्स, और आप इसमें कुछ ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा स्टूडेंट बताइए, निगेटिव आ रहे हैं ना, फिर इसमें स्टूडेंट क्या आते हैं देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक तो पाई बाई टू है, ठीक है, फिर पाई बाई टू में कुछ और ऐड कीजिएगा आप, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आइएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं स्टूडेंट साइन और साइन का ऑपोजिट क्या होते हैं स्टूडेंट कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं बाकी निगेटिव होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये निगेटिव हो जाएगा, समझ में आया, लेकिन कोस पाई बाई टू प्लस एक्स के बदले हम क्या लिख सकते, क्या लिखते हैं एंगल में साइन एक्स लिखते हैं, आप इसको याद रखिएगा साइन एक्स होगा, पढ़े थे ना आप कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इजकल टू साइन थीटा, तो यही है फॉर्मूला, समझ में आ गया स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, माइनस माइनस से कट जाएगा, अब कॉस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएंगे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, डिवाइड साइन साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है स्टूडेंट, और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड साइन एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्या होंगे स्टूडेंट कॉट एक्स स्क्वायर एक्स, और यही हो जाएगा स्टूडेंट आपका प्रूफ्ड, ठीक है, यही हो जाएगा आपका आर एच एस। समझ में आया स्टूडेंट, कोट एक्स स्क्वायर एक्स आ गया, मुझे प्रूफ करना था, तो लिख सकते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पर एल एच एस इजकल टू आर एच एस। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डेट्स ऑल फॉर टूडे, जय हिंद जय भारत।